नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड के छात्र क्लास 12 रसायन विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें। जो छात्र इस बार 2022 में यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि हम प्रश्न बहुत ज़्यादा पढ़ लें, कैसे हम पढ़ें कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो आज हम इसी मुद्दे पर आपसे कुछ बात करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि क्लास 12 की तैयारी कैसे किया जाए कि हमें 70 में 70 नंबर प्राप्त हो। एक बात ध्यान देना, आप लोग अपने मनोबल को नहीं हटाना, अपने मनोबल पे काबू रखना, क्योंकि आप लोग शेर के पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जैसा मैं बता रहा हूँ दोस्त, उन टॉपिक को आप पढ़ कर जाइएगा। रसायन विज्ञान में बच्चे करते क्या हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं, समीकरण को देखते हैं तो समझ नहीं आता है, वहीं से इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरे दोस्त, आप लोग हर समय पढ़ाई करते हैं और अपनी तरह से आपने बहुत सारी युक्तियों को अपनाया होगा अच्छे से अच्छे नंबर को पाने के लिए। एक बार हमारे द्वारा भी बनाई गई विधि का उपयोग करिए, आपके लिए अच्छी साबित होगी। सर्वप्रथम हम यह ध्यान देंगे कि हम कैसे कम समय में, अर्थात 30 दिन में हम कैसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विषय को एक तरफ से, मतलब पाठ एक के पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ाई करें, उतना समय हमारे पास नहीं बचा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यह समझेंगे कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम और भी टॉपिक पर ध्यान देंगे। मेरे दोस्त, जब आप पढ़ने बैठते हो तो देखते हो कि ये प्रश्न आया हुआ है इस समय, ये इस बार आया हुआ है, मतलब विद्यार्थियों के मन में हर प्रकार की क्वेरीज उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कौन प्रश्न है, कौन ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्त, इसी क्रम में हम पहले बात करेंगे, एक बार चर्चा करेंगे कि इस बार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, अर्थात कितने प्रश्न आएंगे, उनका पूरा हम परिचय करेंगे। तो देखिए दोस्त, जो पहला क्रम होगा प्रश्नों का, उसमें होंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जिनकी संख्या होगी कुल आपकी कितनी, जिनकी होगी संख्या 6। एक बात ध्यान देना दोस्त, इस बार जो बोर्ड परीक्षा होगी सब कुछ वही रहेगा, जो मॉडल पेपर बच्चे खरीद कर अभ्यास कर रहे हैं उनको तो मालूम है कि प्रश्न कैसे आता है, लेकिन जो बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से समझें कि बोर्ड पेपर कैसे आता है। तो पहला जो प्रश्न होगा वह बहुविकल्पी होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 6 होगी। इसके लिए उन्हें कुल, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे, अर्थात कुल यहाँ पे 6 अंक उनका मिलेगा। दूसरा जो तरीका है वो आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या है, ये प्रश्नों की संख्या बनती है 8, प्रश्नों की संख्या होगी 8 और इसके लिए जो प्रश्न होगा वह प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात 6 अंक हो गए। यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न होगा आपका वो 2 अंक का होगा और 8 है इसलिए कितना होगा, यहाँ पे 16 अंक का होगा। तो आपने इसको समझा। अगला हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की जो संख्या होगी, इसमें प्रश्न कुल आपके जो पूछे जाते हैं वे 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे और जो इनका अंक भार होगा वो कितना होगा, 3 नंबर का होगा, एक प्रश्न और 4 प्रश्न होंगे, अर्थात ये 12 अंक के हो गए। फिर हम बात करेंगे चौथे क्रम में, यहाँ पर तो बात होगी लघु उत्तरीय, मतलब यहाँ पर एक बार और हम देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो लघु उत्तरीय होंगे, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और इनकी भी संख्या 4 होगी। इनका जो क्रम होगा 3 ही नंबर का, इसका ये जो प्रश्न होंगे ये 4 नंबर के, कितने होंगे, 4 अंक के होंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार करोगे तो इस 16 अंक के प्रश्न प्राप्त होते हैं। फिर आएगा यहाँ पर पांचवा तरीका जो है वह, मतलब इस
पांचवें प्रकार के प्रश्न में आपके अथवा वाले भी प्रश्न आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे विस्तृत, क्या होगा? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय उत्तरीय प्रश्न ये होंगे। अब इन प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? इन प्रश्नों की संख्या होगी 4 और प्रत्येक प्रश्न कितने होंगे? 5 अंक के होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि जो अंकों की संख्या होगी यहाँ पर 5 होगी, 4 प्रश्न होगा बराबर 20। अगर आप इसको जोड़ोगे ध्यान से, योग यहाँ निकालोगे तो योग कितना आएगा आपका टोटल? योग आएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो टोटल आएगा योग आपका 70 अंक। तो आपने देखा कि प्रश्नों का क्राइटेरिया, पेपर का पैटर्न इस प्रकार से होता है। आपको यदि इतना समझ में आ गया है, नहीं आया तो एक बार फिर देखिए। जो पहला प्रश्न होगा वह विकल्पीय होगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 6 होगी और प्रत्येक अंक के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, प्रश्न की संख्या 8 होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या 4 होगी, प्रत्येक के लिए 3 अंक, इस प्रकार 12 अंक होंगे। फिर लघु उत्तरीय दूसरा होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, इसमें कुल मिला के 16 अंक होंगे। और ये पांचवा है जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसके मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, इस प्रकार आपके 20 नंबर, अर्थात कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 70 नंबर का पेपर मिलेगा जिसको आपको हल करना होगा। आइए हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा अध्याय, मतलब रसायन विज्ञान में कौन सा अध्याय पढ़ें जिससे अधिक नंबर मिलता है और किससे कम मिलता है, कौन अध्याय आसान है, कौन अध्याय कठिन है। अब हम इस बात पर ध्यान दें कि आखिर 30 दिन में हम कैसे पढ़ाई करें कि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो पहले हम पढ़ेंगे ऐसे पाठ को जो हमें ज़्यादा ज़्यादा नंबर देता है, जिसमें पहला पाठ है आपका, जिसमें पहला अध्याय क्या है, पहला अध्याय है आपका पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, ये आपको देगा 7 नंबर। कितना देगा? 7 नंबर, अर्थात 7 अंक देगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 अंक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है वो है जैव अणु, ये भी आपको देगा कितना? 6 अंक। उसके बाद जो हमें पढ़ना है अगला, फिर यहाँ पे हमें पढ़ना है उपसह संयोजी यौगिक, ये कुल अंक आपको देगा 6 नंबर, यहाँ पे आपने लिखा है 6 अंक देगा। फिर हमको पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, ये भी देगा आपको 6 अंक। तो हमने देखा ये बड़े वाले प्रश्न पाठ को। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिलियन, ये जो मतलब ऐसा पाठ है जो आपको 7 अंक देगा। तो विद्यार्थियों, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि पहले आप ऐसे पाठ को पढ़ें जिससे आपको अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं। यदि हम इन अंकों की गणना करें तो कितना हो गया, जोड़िए 7 6 13 हो गए, 13 6 कितना होता है आपका 13 और 6 आपको 19 होता है, 19 में 6 जो 25 होगा, अर्थात 32 यहाँ से हो जाएंगे, तो 32 अंक आपके पास कंप्लीट हो गए। अभी बहुत सारे पाठ बचे हुए हैं जो और भी अच्छे अंक देने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वे पाठ छोटे छोटे हैं। आइए हम उनके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर अगला जो क्रम है भाग 1, इसे हम मान लेते हैं, भाग 2 में आता है आपका, मतलब दूसरा क्रम जो है यहाँ पे हेलो एल्केन यदि हम पढ़ेंगे तो ये हमें देगा क्या नाम है, ठीक है, आपको 4 नंबर देगा। इस बार कितना देगा आपका ये हेलो एल्केन? 5 अंक का किया गया है, 5 अंक। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन का भी जो अंक भार है वह इस बार है 5 अंक। कितना है? 5 अंक, ये है पृष्ठ रसायन का। फिर हम बात करेंगे अगला जो आपके सामने है डी ब्लॉक एलिमेंट या के तत्व के
तत्व, ये आपके जो देंगे ये वाले भी जो हैं आपके पास अच्छे नंबर देंगे, कहने का मतलब ये चार अंक देंगे, डी और एफ ब्लॉक, ये कितना है, चार अंक। फिर हम बात करते हैं अगला, यहाँ पर एल्कोहल, एल्कोहल, फिनाल, फिनाल, ईथर। अगर हम इसकी बात करते हैं एल्कोहल, फिनाल, ईथर, तो ये भी आपको कितना नंबर, पांच अंक देगा, ये कितना देगा, पांच अंक देगा। तो हमने इसकी बात कर लिया। अभी देखिए इसमें कुछ पाठ और बचे हुए हैं जो आपके अच्छे से अच्छे अंक देंगे, जिसमें अगला आता है आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त, युक्त कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये आपको देगा कितना अंक, ये देगा आपको चार अंक देगा। तो हमने यहाँ पर इस बात को भी समझा, ये कितना देगा, चार अंक देगा। अगर इस प्रकार हम अंकों को देखें और जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा कि बहुत सारे प्रश्नों को हम कर लेंगे। दोस्तों इस प्रकार अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारे पास जो अंकों का क्रम होगा वह 55 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम परीक्षा का अधिकांश से अधिकांश अंक को प्राप्त करने के कगार पर होंगे। लेकिन आपके मन में यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि सर जी आखिर हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों को क्यों नहीं लिया। एक बात ध्यान देना, इसमें जो बिलियन वाला पाठ लिया गया है अगर ना हो सके तो उसे आप छोड़ दीजिएगा, अभी के लिए उसे आप छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारे थ्योरी वाले और आपके केमिकल रिएक्शन वाले हैं पाठ हैं, यदि हम उन पर अच्छी तरह से पकड़ बना लेंगे तो वे हमें ठोस नंबर देंगे और अच्छे नंबर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बिलियन वाले अर्थात न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी वाले और केमिकल रिएक्शन वाले पाठ को तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब हम बचे हुए पाठों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पाठ की, जो है आपका ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, अवस्था। ये पाठ आपका जो है ये कितने का है, पांच अंक का है, पांच अंक का है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, गतिकी, ये भी पांच अंक के हैं। और अगली बात हम यहाँ पे करते हैं, जो पाठ बचा हुआ है वह है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, रसायन, ये है, ये भी आपको पांच अंक देगा। हाँ, यहाँ पर एक बच्चे का ये प्रश्न आया हुआ है, यहाँ पर एक बच्चा ये पूछ रहा है कि आखिर हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने बताए थे, बताए हैं अभी तक, इससे पी ब्लॉक या जैव अणु, उनमें से कुछ प्रश्न क्या निश्चित हैं जो हर बार आते हैं? तो हाँ निश्चित हैं, उसे अभी हम आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे यदि आप उन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। आइए हम बात करते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला जो यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हैं या आते हैं। पहला प्रश्न हम बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपका ये है, हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि, विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने का, अमोनिया, अमोनिया बनाने का, बनाने का, बनाने का सचित्र, सचित्र वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, इसके गुणधर्म और उपयोग भी दो, इसके गुणधर्म, गुणधर्म और उपयोग भी, और उपयोग, उपयोग भी, भी लिखो, उपयोग भी लिखो। तो ये प्रश्न आता है, हर साल आता है, 100% है ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो फिर से सुन लीजिए, प्रश्न ये है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके गुणधर्म और उपयोग भी लिखो। ये प्रश्न 100% आएगा, इसे आप लोग 2022 के लिए खास करके तैयार कर लीजिएगा। अथवा एक प्रश्न और यहाँ पर आता है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा अथवा, ऐसे बने रहेगा अथवा, इसमें आएगा ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड,
ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक मतलब ओस्टवाल्ड विधि से तथा ये प्रश्न घुमा सकता है इस तरह से वर्क लैंड आर्क विधि, वर्क लैंड आर्क आर्क विधि, वर्क लैंड आर्क विधि से HNO3 बनाने की विधि का, बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए कीजिए तथा गुणधर्म और गुणधर्म तथा गुणधर्म और उपयोग लिखो और उपयोग उपयोग लिखो लिखो ये प्रश्न है। ये दो प्रश्न आपके सामने कन्फर्म हो गए। अगला प्रश्न जो आने का उम्मीद है वो है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स की परिभाषा परिभाषा दीजिए दीजिए तथा उपयुक्त उपयुक्त उदाहरण सहित उदाहरण सहित सहित इसका वर्गीकरण कीजिए इसका वर्गीकरण वर्गीकरण कीजिए। ये यहाँ पे प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है अथवा प्रश्न आपका ये आ सकता है प्रोटीन प्रोटीन क्या है मानव शरीर में मानव शरीर में इसकी इसकी उपयोगिता 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 का वर्णन वर्णन प्रोटीन विकृतिकरण प्रोटीन विकृतिकरण विकृतिकरण प्रोटीन विकृतिकरण तथा प्रोटीन विकृतिकरण तथा यहाँ पे आपको पेप्टाइड 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 बंध पर लेख लिखो लिखो। ये कन्फर्म है ये प्रश्न हर साल आते हैं। प्रश्नों को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको आसानी से प्रश्न समझ में आ जाए क्योंकि मेरे लिखावट में प्रॉब्लम है लेकिन आपको याद करने में प्रॉब्लम ना बने। तो प्रश्न पहला है हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके गुणधर्म तथा उपयोग को भी समझाओ या लिखो। अथवा में प्रश्न आ सकता है ओस्टवाल्ड विधि अथवा वर्कलैंड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके गुणधर्म और उपयोग को लिखो। उसके बाद प्रश्न अगला है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण सहित इसका वर्गीकरण कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है अथवा में है प्रोटीन क्या है मानव शरीर में इसकी उपयोगिता और प्रोटीन विकृतिकरण पेप्टाइड बंध पर लेख लिखो। इन प्रश्नों को आप लोग बच्चे दिल से तैयार कर लेना 100% मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न आएगा तो आएगा। अगली बार हमें बताना पेपर में ये प्रश्न कैसे हैं और प्रश्न जो हमने बताया था वो आया है कि नहीं आया है। आइए हम इसमें यहाँ तक बात किए हैं अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्नों के अगले क्रम में कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें से अगला प्रश्न है आपका एल्कोहल का एल्कोहल का लुकास लुकास परीक्षण तथा फिनाल का फिनॉल फिनॉल का लीवरमान लीवरमान परीक्षण लीवरमान परीक्षण और इसमें आपको बताना पड़ेगा साथ साथ ग्लूकोज 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 के परीक्षण ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें है प्रोटीन के
परीक्षण। इन प्रश्नों को भी हम हल कराएंगे समय अनुसार, आपके 30 दिन में इसकी हम तैयारी करा देंगे। प्रश्न आप ये देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है अथवा में जो प्रश्न है वो दिया जाता है आपका कि यहाँ पे ये प्रश्न आएगा, कोलराउस का नियम, फैराडे का नियम। नियम उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तो आएगा हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आएगा हार्डी सुलजे का नियम, चार गाफ का नियम। मतलब इस प्रकार आपके कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो नियम पर आधारित है। पहला है कोलराउस का नियम, दूसरा है फैराडे का नियम, तीसरा है आपका हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, हार्डी सुलजे का नियम, चार गाफ का नियम, ये आपने यहाँ तक देखा। फिर अगला जो प्रश्न का तरीका है वो प्रश्न क्या है देखिए, तो आएगा आपका महत्वपूर्ण अभिक्रिया। कम से कम आपको 30 अभिक्रिया पढ़कर के पेपर में जाना है, कम से कम 30 अभिक्रिया पढ़कर आपको जाना है पेपर में। फिर आता है यहाँ पर यौगिक परिवर्तन, जिसमें होता है क्या होता है जब, और इसमें कम से कम आपको 35 रिएक्शन याद करके जाना है। फिर देखिए कैसे प्राप्त करोगे, इसमें भी आपको कम से कम 35 रिएक्शन पढ़ के जाना है। मेरे दोस्त यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये प्रश्न कैसे मिलेंगे, हमारे पास प्रश्न तो हैं लेकिन इस प्रकार के प्रश्न नहीं हैं। अगर आपको हमारे प्रश्नों का सिलेक्शन अच्छा लगे और आपके दिमाग में आए कि हाँ ये प्रश्न काम के हैं, तो आप दूसरे वीडियो बनाने की कमेंट करेंगे तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अन्यथा आपकी जिस प्रकार की अगर आपको चॉइस होगा बनाएंगे आप लोग कहेंगे, अन्यथा हम वीडियो दोबारा दूसरा वाला नहीं बनाएंगे, वीडियो इसी पर बंद कर देंगे। तो दोस्त अगला भाग में, अगले भाग में हम देखेंगे इसके आगे। ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।